सत श्री अकाल जी, पंजाबी खबरों के बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हरप्रीत सिंह गिल। एक नज़र मारदे हां हुण तक दीआं खास सुरखियां ते। पंजाब विच हड़ दी स्थिति दरम्यान मुख्यमंत्री भगवंत मान ने दिता वड्डा बयान। कहा, हड़ प्रभावित जिलों विच स्थिति उत्ते निरंतर निगरानी रखी जा रही है। रावी दरिया विच पानी दा पद्धर वधण तों बाद श्री करतारपुर साहिब दी यात्रा 3 दिन लई रोकी गई। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर हिमांशु अग्रवाल ने दित्ती जानकारी। पंजाब विजिलेंस ने साबका कैबिनेट मंत्री मनप्रीत सिंह बादल नूं कीता तलब। सोमवार नूं पेश होण लई कहा। हड़ प्रभावित जिलों संकट विचों कढ़ण लई सूबा सरकार दी दृढ़ वचनबद्धता दा प्रगटावा करदिआं पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि वह पठानकोट तों सरदूलगढ़ तक सूबे भर में हड़ां कारण पैदा हुई स्थिति उत्ते निरंतर निगरानी रख रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हड़ां कारण सूबे में पैदा हुए हालात उत्ते उन्होंने निजी तौर उत्ते नज़र रखी हुई है। उन्होंने कहा कि सूबा सरकार हड़ पीड़ित लोगों को समय सिर राहत पहुंचाए जाने लई वचनबद्ध है। इस नेक कार्य लई कोई कसर बाकी नहीं छड्डी जाएगी। भगवंत मान ने कहा कि सूबा सरकार इस औखी घड़ी विच लोगों के नाल डट के खड़ी है ते उन्होंने लोड़ींदी मदद दित्ती जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सूबा सरकार के मंत्री उच्च अधिकारी ते होर प्रशासनिक मशीनरी पहला ही लोगों की इमदाद लई पूरी तरह सरगर्म है। रावी दरिया विच पानी दा पद्धर वधण तों बाद श्री करतारपुर साहिब दी यात्रा 3 दिन लई रोक दित्ती गई है। संगत दी सुरक्षा नूं मुख रखदिआं श्री करतारपुर साहिब दी यात्रा आरजी तौर उत्ते 3 दिनां लई रोकी गई है। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर हिमांशु अग्रवाल ने इस गल की जानकारी दित्ती है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान विच स्थित गुरद्वारा श्री करतारपुर साहिब रावी दरिया तों पार है ते इस समय दरिया रावी अते वेई विच पानी दा पद्धर वध्या होया है जिस कारण अजिहे हालात विच यात्रा करनी सुरक्षा के पक्ष तो ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार पद्धर उत्ते पाकिस्तानी अथॉरिटी को गुरद्वारा श्री करतारपुर साहब के रास्ते विच रावी के पानी की रिपोर्ट ली जा रही है। उन्होंने कहा कि रावी दरिया के पानी का पद्धर हेठ आने उत्ते 3 दिन बाद यात्रा मुड़ शुरू कर दी जाएगी। डेरा बाबा नानक सरहद को दर्शन स्थल को आए रावी दरिया के पानी संबंधी जानकारी देंदे डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर हिमांशु अग्रवाल ने कहा कि किसी भी घबराने की जरूरत नहीं है। स्थिति फिलहाल पूरी तरह काबू हेठ है। कोरीडोर तक पानी आया। पहली बार असी सुने कि इस तरह काफ़ी पिछले सालों तो बाद इतने तक पानी पहुँचा हैगा। कल लगभग 3 लाख क्यूसैक पानी जरा दीनानगर तो लंघिया सगा हूँ हौली हौली जरा पहुँचना शुरू होया। हूँ इस वेले 2.25 लाख क्यूसैक पानी जरा निकलता पाया है। सो ये जरा पानी पहुँचा कि अगे दूजी साइड तो ब्रीच होने कारण इतने तक लगे पर पानी की मात्रा असी असैस कर रहे हैं। हजे इन्नी ज़्यादा नहीं है कि सानू इस तरह की कोई दिक्कत आएगी। असी सारे जोड़े पॉइंट साढ़े कोई तुसी जो वीक पॉइंट है उन्होंने हूँ इमीजिएटली स्ट्रेंथन करा। मैं हूँ पिंड वाल भी मिलकर आया तो यात्रियों भी मिलकर आया। यात्रियों तसली है कि एटलीस्ट उन्होंने दर्शन कर ले है। असी 3 दिन लई यात्रा जी है स्थगित करने लिए भी जी सिफारिश भेजन लगे हाँ। तो पिंड वालों भी असी समझा के आए कि उन्होंने बड़ी मेहनत की और नाल प्रशासन का सहयोग देन। सानू पल पल की खबर जिमें जिमें आ रही है असी नाल उन्होंने भी अपडेट करेंगे पर उन्होंने कोई घबराने की लड़ नहीं है क्योंकि हजे इस तरह की सिचुएशन नहीं बनी है कि ब्रीच आ सकता या कोई पिंड डुबन का खतरा बन सकता। अमृतसर के नाल लगते रमदास के नाल वगदे रावी दरिया में पानी का पद्धर वध गया जिस नाल लोगों दी फसलां तबाह हो गई ने। रावी दरिया अंदर पानी का पद्धर वधन करके प्रशासन ने लोगों की मदद के नाल रमदास के पिंड सहारन में धूसी बन नूं मजबूत करने लई मिट्टी दीआं बोरियां भर के रखण का कार्य शुरू कर दिता है। उधर किसानों ने कहा कि पानी ओवरफ्लो होने नाल फसल का नुकसान तो होया पर मुश्किल की घड़ी में प्रशासन उनके नाल खड़ा है। उन्होंने कहा कि पानी की वध आमदन लैके कुछ लोगों वालों गलत अफवाह फैलाईया जा रही ने। नुकसान तो जरूर हो फसलों का बाकी जी ज़्यादा हवा लोगों ने चलाती है ना पानी आ गया पानी कोई गल नहीं दरिया के दरिया तुम पता चलती रहती फसल है घट्टो घट्ट 6-7 हज़ार एकड़ फसल है इधर जी बर्बाद हुई साढ़े जिमीदारा की बाहर फसल है। फसल का नुकसान हो बीमार झोना ज़्यादा लगता इधर और बाकी पानी है पानी तो पानी दरियाओं से लंघना वा बाकी सोशल मीडिया कई आवे खबर पे सरकार साढ़े नाल है पब्लिक के नाल है संगत के नाल है
संजोग सारे काम वधिया। पंजाब विच पिछले काफी दिनों तो हड़ कारण लोग प्रभावित ने, जिस कारण सौखी घड़ी विच हड़ प्रभावित खेत्र विच फसे लोगों को राहत देने लई कलगीधर ट्रस्ट बड़ू साहब की टीम सेवा कार्यां विच लगी है। इन्हां लोगों तक राशन पहुंचाने लई जिथे कलगीधर ट्रस्ट बड़ू साहब की अकाल फ्लड रिलीफ टीम सेवा कर रही है, उत्थे ही ट्रस्ट अधीन लुधियाणा जिले में पैंदियां अकैडमियां के समूह स्टाफ अते बच्चों के मापियां के सहयोग नाल इन्हां हड़ प्रभावित खेत्रां विच फसे लोगों लई राशन इकट्ठा किया जा रहा है। यह रसद अकाल अकैडमी ढींसा, अकाल अकैडमी जंडियाली, अकाल अकैडमी रशीन, अकाल अकैडमी झांडे और अकाल अकैडमी सवदी कलां वालों की गई है। इस रसद में आटा, चीनी, चावल, दालां, बिस्कुट, भुजे, छोले, मसाले, चाह पत्ती, साबण और होर समग्रियां हड़ पीड़ित इलाके भेजे जाने एकत्र की गई ने। अकाल अकैडमी के समूह स्टाफ विद्यार्थियों और उनके मापियां ने इस मुश्किल घड़ी में फसे लोगों की मदद लिए अगे आके योगदान में हिस्सा पाया। आम आदमी पार्टी तो लोकसभा के मैंबर सुशील कुमार रिंकू ने अज लोकसभा विच संसद मैंबर वजों सौं चुकी है। मई महीने दौरान हुई जलंधर लोकसभा सीट की जिमनी चोण दौरान सुशील कुमार रिंकू ने जित हासिल की। सुशील कुमार रिंकू ने जिमनी चोण विच 57,000 तो वध वोटां दे फर्क नाल नेड़ले विरोधी नूं हराया सी। चोणां तो पहलां सुशील रिंकू ने हर वर्ग के लोगों नाल मुलाकात की सी ते उन्हां दीआं समस्यावां सुणीआं सन। जिक्रयोग है कि पंजाब विच राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा विच 14 जनवरी नूं जलंधर तो कांग्रेस के संसद मैंबर चौधरी संतोख सिंह का दिल का दौरा पैण करके देहांत हो गया सी। अचानक सेहत खराब होने मगरों उन्हें तुरंत फगवाड़ा के अस्पताल में लिजाया गया सी, जिथे डॉक्टर ने उन्हें मृत ऐलान दिता सी, जिस तों बाद जलंधर की सीट उत्ते जिमनी चोण हुई सी। धन्नवाद करना चाहवांगा जलंधर के उन्हां वोटर साथियों का जिन्होंने बहुत वड्डी गिनती दे नाल मार्जन दे नाल जिता के आम आदमी पार्टी का जिहड़ा नुमाइंदा लोग सभा दे विच भेजिया। सो अज जिहड़ा सहुं चक समारोह है तां उहदे नाल नाल जिहड़ा अज दा बिजनेस है हाउस का उहदे विच जिहड़ा दिल्ली नूं लै के जिहड़ा काला कानून बनाया अज पहले दिन ही केंद्र की सरकार ने वह बिल है जिहड़ा इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। सो आम आदमी पार्टी और जिहड़ियां लाइक माइंडेड पार्टियां सारियां असीं इकट्ठे हो के इस बिल का जिहड़ा पुरजोर विरोध करांगे और ये नाल नाल पंजाब दे जिहड़े और देश दे जिहड़े भखदे मसले है जिहदे विच सारे नालों वड्डा मसला जिहड़ा इस वेले पंजाब दे विच हड़ां दा मसला, पंजाब दे पानियां दा मसला और पंजाब दे विच जिहड़े देश दे जिहड़े बेरोजगार लोग है उन्हां दा मसला, महंगाई दा मसला और GST दे बहुत सारे जिहड़े मसले है, ये सारे मसले है जिहड़े वन बाय वन जिहड़े लोक सभा दे विच जिहड़े चुके जाणगे। पंजाब विजिलेंस ने साबका कैबिनेट मंत्री ते भाजपा आगू मनप्रीत सिंह बादल नोटिस भेजा। विजिलेंस बठिंडा विच जायदाद दे मामले की जांच कर रही है। विजिलेंस ने सोमवार को सवेरे 10 बजे उन्हें पेश होने लिए कहा है। दरअसल विजिलेंस ने मनप्रीत सिंह बादल को बठिंडा की एक जायदाद के मामले की जांच को लेकर तलब किया है। मनप्रीत सिंह बादल को कुछ सरकारी जमीन है जो उन्होंने अपने कार्यकाल दौरान बेच दी है, जिसके उन्होंने उत्ते इल्जाम लगे ने। विजिलेंस ने इस जायदाद की खरीद संबंधी जांच शुरू की है। कतल ते बलात्कार वर्गे संगीन दोषों तहत सज़ा कट रहे डेरा सिरसा मुखी गुरमीत राम रहीम ने एक बार मुड़ 30 दिन की पैरोल मिलने उत्ते श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी ने सख्त इतराज प्रगटा है। उन्हें कहा है कि सरकार की दोहरी नीति सिखा अंदर बेविश्वासी का माहौल सिरज रही है। उन्हें कहा है कि जेकर कतल बलात्कार के संगीन जुल्मों के दोषी सौदा साध गुरमीत राम रहीम वार बार पैरोल दी जा सकती है तो फिर बंदी सिंघां की रिहाई लई अरसे तो सिख कौम वालों उठाई जा रही आवाज़ सरकारां नूं क्यों नहीं सुनाई दिंदी। श्रोमणी कमेटी प्रधान ने कहा है कि सरकारां वालों अपने सियासी हितों लई गुरमीत राम रहीम के घिणौने अपराधों नूं अखौले करके उसनूं बार बार जेलों बाहर लिया जा रहा है। उन्हें कहा कि सरकारां दी अजिही नीति सिखां नूं बेगानगी का अहसास करवाउण वाली है जो देश लई ठीक नहीं है। एडवोकेट धामी ने कहा कि गुरमीत राम रहीम दे पैरोल नूं तुरंत रद्द करके उसनूं जेल विच बंद किया जाए। डेरा सिरसा मुखी गुरमीत राम रहीम नूं एक बार मुड़ 30 दिन के पैरोल मिलने उत्ते श्री अकाल तख्त साहब के जथेदार सिंह साहिब विज्ञानी रघबीर सिंह ने भी सख्त इतराज प्रगटाया। उन्हें कहा कि सरकार की दोहरी नीति सिखां दे अंदर बेविश्वासी का माहौल सिरज रही है। अज पता लगा है कि सरकार वालों डेरा मुखी गुरमीत राम रहीम जो कि कतल के केस विच बलात्कार के केस विच जेल विच बंद है,
ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਕਾਤਲ ਇਹ ਵਿਭਚਾਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਰਿਹਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖ ਜੁਝਾਰੂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 30-32 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨੀਵਾਂ ਰਖਾਉਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਕੁਪਵਾੜਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਰੇਖਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੌਜ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਗੋਲਾ ਬਰੂਦ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਭੰਡਾਰ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2 AK-47 ਰਾਈਫਲਾਂ, 6 ਪਿਸਟਲ, 4 ਹੈਂਡ ਗ੍ਰਨੇਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਸਲਾ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਰੋਪੜ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ਮਾਣਯੋਗ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਮੁਹੱਲਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨਗਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਮਾਣਯੋਗ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਮੁਹੱਲਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨਗਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਾ 295 ਦੇ ਤਹਿਤ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ 5,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 435 ਵਿੱਚ 5 ਸਾਲ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਅਤੇ 5,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ 13 ਸਤੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਤੜਕੇ ਸਵੇਰ ਪੁੱਜ ਕੇ ਸਿਗਰਟ ਜਲਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਲਦੀ ਸਿਗਰਟ ਅਤੇ ਮਾਚਿਸ ਦੀ ਤੀਲੀ ਚਾਦਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। 13/9/2021 ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕੇ 4 ਵਜੇ ਜਾ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਉੱਪਰੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸੁੱਖ ਆਸਣ ਤੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਸਿਗਰਟ ਪੀ ਕੇ ਧੂੰਆਂ ਜਿਹੜਾ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਤਰਫ ਛੱਡਿਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਬਲੀ ਹੋਈ ਸਿਗਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਔਰ ਤੀਲ ਹੈ ਉਹ ਚਾਦਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗ ਲੱਗ ਕੇ ਉੱਥੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ, ਕੇਸ ਚੱਲਿਆ। ਅੱਜ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੇ ਉਹਨੂੰ 435 ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 5,000 ਰੁਪਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ 295 ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 5,000 ਰੁਪਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੰਬੀਹਾ ਗੈਂਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਉਰਫ ਬਿੱਲਾ, ਜੋ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਚਕਮਾ ਦੇ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ 6 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਭਾਲ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਅੱਜ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਫੜੇ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੜਕੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਇਲਜ਼ਾਮ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਨੇ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਬਿੱਲਾ ਦੀ ਮਾਂ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੜਕਾ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਕੋਈ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਅੱਜ ਸੌਂਪੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਡਟਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਲਦ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਜਲੰਧਰ ਦੇ DC ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰੰਗਲ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸਤਾਗਰਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਉਹਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਦੇ PK ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ DC ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਬਣਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਪਸ਼ੂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਝੋਨਿਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਭਿਜੀਤ ਕਪਿਲੇਸ਼ ਨੇ ਅੱਜ ਖੁਦ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਭਗਵਾਨ ਬਾਲਮੀਕ ਚੌਂਕ ਨੇੜਲੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਰੇੜੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਂਦਿਆਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਰੇੜੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਗਦੜ ਮੱਚੀ ਦੇਖੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਸਮੇਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ
कि नगर निगम के मुलाजमान ते दुकानदारां नूं किहड़ियां किहड़ियां मुश्किलां दा सामना करना पैंदा है। हाँ जी, अज बेसिकली मैं थोड़ी जी रिसर्च ही करन आया सी, समझन आया सी वी तहबजारी दा मुद्दा जिहड़ा है ओह की उहदे च इशूज़ ने। आई थिंक इहदे विच की है वी दोनों तिनों पासों जिहड़े ने कन्फलिक्ट ऑफ इंट्रस्ट है, पब्लिक दे वी साडे बंदियां दे वी, ते उहनां नूं समझन लई आया सी। नहीं जी, उस मुद्दे मैं समझ आया, आई थिंक पॉलिसी के फर्क है। बेसिकली लेंदे ने जी कॉम्प्रोमाइज़ फीस, कॉम्प्रोमाइज़ फीस या तो लैनी बंद कर दी है असी कि भी यार बस लगनी ही नहीं, या जे असी कॉम्प्रोमाइज़ फीस लै रहे हैं फिर लोगों को चक्की ना। हड़ के मारे किसानों उपर हुण चोरों ने कहर टाउणा शुरू कर दिता है। चोर ट्रांसफार्मर अपना निशाना बना रहे हैं जिस नाल किसानों के ट्यूबवैल बंद हो रहे हैं। खन्ना विच चोरों के हौसले ने बुलंद ने कि लगातार 6 घंटे वारदातों अंजाम देंदे रहे। चोरों वालों 1.5 किलोमीटर के दायरे में 5 ट्रांसफार्मर चोरी किए गए। हासिल जानकारी मुताबिक चोर महिंद्रा जीप में सवार होकर 2 पिंडा दाऊदपुर और कलाल माजरा में घूमते रहे थे। ट्रांसफार्मर चोरी करके फरार हो गए। इस घटना कारण जिथे विभाग का तकरीबन 5 लाख रुपए का नुकसान होया उत्थे ही हुण किसानों की बिजली सप्लाई ठप हो गई है। किसानों ने चोरी की घटना संबंधी पुलिस से बिजली विभाग को सूचित किया है। बिजली महकमे की शिकायत उत्ते पुलिस ने CCTV कैमरे की फुटेज के आधार उत्ते जांच शुरू की है। किसान जगपाल सिंह, अमरजीत सिंह और इंद्रजीत सिंह ने दस्सिया कि सवेरे खेतों में मोटर चला के फसलों को पानी लगाने लिए गए। जदों खेत में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनके मोटरों को बिजली सप्लाई करने वाला ट्रांसफार्मर चोरी हो चुका है। ये सर कल रात ही गल है जी, तकरीबन 10 तो 11 के बीच इतों सारे ट्रांसफार्मर चोरी होया गया जी। अच्छा, हाँ जी। किन्ने किलो वाट दा ट्रांसफार्मर सीगा ओह? 63 kV जी। ते किन्नियां मोटरां दे उत्ते काम कर रहे हो? ये 4 मोटरां ते जी। ते तुहानूं किन्ने वजे पता चलिया हैगा? सानूं सवेरे 4:30-5 बजे जी, जद असीं मोटरां चलाउण आए जी इत्थे। ये सवेरे जद असीं खूहां ते आए हां जद पता लग्गिया वी साढ़े 4-5 ट्रांसफार्मर नाल जिहड़े आ इलाके चों लै गए कलाल माजरे ते आ दौदपुर तों। किन्ने किलो वाट दा ट्रांसफार्मर सी? ये 63-63 दे दो ही ट्रांसफार्मर ने। एक्चुअली पिंड दे विच जिहड़े कोई साडे मोटर वाले ट्रांसफार्मर ने उन्हां दी कुछ चोरी हुई है। 4-5 ट्रांसफार्मर की खबर आ रही है कि चोरी हुए ने उत्थों। बाकी डिटेल सारी अपने SPO चावा ने उन्हां दे कोल हैगी है। तो वो कोई रात के समय जिहड़े जिस तरह कोई उजाड़ इलाके दे विच जिथे हुण क्योंकि मोटर की सप्लाई भी ज़्यादा आ रही है तो कोई खपतकार नहीं जाते तो उस जगह तो कई बार ट्रांसफार्मर जिहड़े कोई उहदे विचों एलमीनियम चोरी जां करन वाले उतार के लै जांदे ने। उन्हां दी खबर आ रही है कि 4 या 5 ट्रांसफार्मर चोरी हुए हैं जी। हाँ जी, यदि जो शिकायत है फॉर्मल तरीके SDO साहब ने अगे वो उन्होंने पुलिस जो थाने उन्होंने दे देंगे तो उस तो बाद FIR या DDR दर्ज कर लेंगे। इनक्वायरी है जी सारी पुलिस ने करनी है। पिछले दिन ही टांडा में मंदिर प्रधान उत्ते हुए परचे के संबंध में SSP हुशियारपुर से टांडा कमेटी विचकार होया समझौता सिरे ना चढ़न करके मामला सुलझण की बजाय उलझदा नजर आ रहा है। इस संबंधी टांडा में किसान जथेबंदियां समाज सेवी संस्थावां अते वक्ख सियासी पार्टियों के अगुआ मंदिर कमेटी हिंदू जथेबंदियों के अगुआ वालों गठित 16 मैंबरी कमेटी के मैंबरों ने बैठक की है। इस मौके अगुआ ने कहा कि कमेटी मैंबर SSP हुशियारपुर नाल भलके इस मामले संबंधी मुलाकात करनगे। उन्होंने कहा कि जेकर इस बैठक दौरान मामले का कोई हल ना निकलिया तो टांडा कमेटी संघर्ष संबंधी अगली रणनीति तय करेगी। अमृतसर पुलिस को उस वेले वड्डी कामयाबी हासिल हुई जदों पिछले दिन विजयनगर गली नंबर 3 दे विच न्यूट्री कुलचे की दुकान के मालक ऋषि सेठ उत्ते गोलियां चलाने वाले 3 अणपछाते नौजवानों विचों 2 नूं पुलिस ने काबू किया। पुलिस के अधिकारी ने दस्सिया कि इस मामले में 2 जणां नूं काबू किया गया जबकि बाकियों की भाल जारी है। पुलिस अधिकारी SP वरिंदर सिंह खोसा ने मीडिया नूं होर जानकारी दी है। पंजाबी खबरों के इस बुलेटिन फिलहाल नहीं जाते, नज़र मारदे मौसम के हाल से। बने रहो चढ़ती कला टाइम टीवी के नाल। धन्यवाद।